नमस्कार, मैं पल्लवी और आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। भारत और बांग्लादेश के बीच आज के दिन हुई थी मैत्री संधि। पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी की लड़ाई में साथ देने के बाद 19 मार्च 1972 को भारत और बांग्लादेश के बीच गहरी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। इसी दिन दोनों देशों में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे और संसार में सबसे पुराने देशों में शुमार भारत और सबसे नए देश बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग के एक नए युग का प्रारंभ हुआ था। शांति और सहयोग की आधारशिला पर हुई मैत्री संधि में जिन साझे मूल्यों का उल्लेख किया गया था उनमें उपनिवेशवाद की आलोचना, गुटनिरपेक्षता, कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का वादा शामिल है। ऑस्ट्रेलिया ने आज के दिन जीता था क्रिकेट इतिहास का सबसे पहला टेस्ट मैच। टेस्ट क्रिकेट की आधिकारिक शुरुआत 15 मार्च 1877 को हुई थी, जब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला मैच खेला गया था। इस टेस्ट मैच की कोई समय सीमा तय नहीं थी और दोनों टीमों को दो दो पारियां खेलनी थी। यह मैच 15 से 19 मार्च तक चला था, जिसमें शुरुआती तीन दिनों के खेल के बाद चौथे दिन यानी 18 मार्च को रेस्ट डे रखा गया था। इसके अगले दिन 19 मार्च 1877 को ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 45 रनों से हरा दिया था। टेस्ट क्रिकेट के आगाज के पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलते हुए चार्ल्स बैनरमैन ने शतक लगाया था। ल्यूमेर ब्रदर्स ने सिनेमाटोग्राफ से आज के दिन रिकॉर्ड किया था पहला फुटेज। फ्रांस के ल्यूमेर ब्रदर्स ने 19 मार्च 1895 को अपने नए पेटेंट सिनेमाटोग्राफ से पहला फुटेज रिकॉर्ड किया था। ल्यूमेर ब्रदर्स ने अपेक्षाकृत अधिक उन्नत तकनीक से युक्त कैमरा बनाया था, जिसे सिनेमाटोग्राफ कहा गया। यह उपयोग की दृष्टि से अधिक बेहतर आविष्कार था। इससे पहले दो भाइयों ने मिलकर फोटोग्राफी का एक उपकरण बनाया था, जिससे बाद में सिनेमाटोग्राफ ने जन्म लिया और यहीं से सिनेमा शब्द आया। ल्यूमेर ब्रदर्स ने दुनिया की पहली फिल्म का प्रदर्शन पेरिस में किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य गुरुदत्त विद्यार्थी का आज के दिन हुआ था निधन। स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य और आर्य समाज के 5 प्रमुख नेताओं में शामिल पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का निधन 19 मार्च 1890 को हुआ था। दयानंद सरस्वती के देहांत के बाद गुरुदत्त विद्यार्थी ने उनकी स्मृति में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव रखा था और उसी समय 8,000 रुपए एकत्र हो गए थे। बाद में लाला लाजपत राय के संयोग से 1886 में लाहौर में DAV स्कूल की स्थापना हुई और लाला हंसराज प्रथम प्राचार्य नियुक्त हुए थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 19 मार्च दिन शुक्रवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है सुख ऐश्वर्य। मेष, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 34%। कारोबार में वृद्धि होगी, यात्रा के योग हैं। आपको शत्रुओं के आतंक से छुटकारा मिलेगा, कार्यभार अधिक रहेगा, मन शांत रहेगा। उत्सव पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग सफेद नीला तथा निषेध रंग लाल सिंदूरी। वृष, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 89%। मनवांछित स्थान पर ट्रांसफर के योग हैं। बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण करें। आपको पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति के योग हैं। कार्य क्षेत्र में अपने पराक्रम से समस्याओं को नियंत्रण कर लेने के योग हैं। शुभ रंग अल्ट्रा वाइट मल्टी कलर तथा निषेध रंग गुलाबी बसंती। मिथुन, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 71%। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। आपके स्वास्थ्य पर ध्यान दें, संतुलित भोजन करें। आपकी पदोन्नति होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में प्रगति के योग हैं। शुभ रंग हरा सफेद तथा निषेध रंग पीला काला। कर्क, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 77%। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और आमदनी बढ़ने के साथ साथ रुका हुआ पैसा भी मिलेगा। छात्रों को सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। आपके खर्चे बढ़े हुए रहेंगे, अधिक व्यय के कारण मन खिन्न रहने के योग हैं। शुभ रंग हर प्रकार के सफेद और निषेध रंग काला सलेटी। सिंह, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 48%। उपलब्धि एवं अवसरों की प्राप्ति के योग हैं। कार्यों में अनावश्यक अवरोध आ सकता है, परंतु यह सब अस्थायी है। विदेश के लिए इन दिनों में उत्तम योग हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूर्ण होने से मन प्रसन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद और निषेध रंग लाल।
कन्या आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 78% कार्य क्षमता के अनुरूप ही सफलता प्राप्त होगी। माता पिता की ओर से चिंता हो सकती है। करियर या कारोबार या फिर नौकरी में कुछ उतार चढ़ाव के दौर से गुजरते हुए कार्य क्षेत्र में सक्रियता बनाए रखनी होगी। भाग्य में वृद्धि के योग है। शुभ रंग हरा सफेद और निषेध रंग पीला लाल। तुला आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 88%। समय शुभ है। लाभ प्राप्त होगा। नए लोगों के साथ व्यवसाय के अवसर बनेंगे। परिवार में आंतरिक कलह खत्म हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बने रहने के योग है। शुभ रंग अल्ट्रा वाइट मल्टी कलर तथा निषेध रंग पीला लाल। वृश्चिक आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 45%। स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से कुछ परेशानी हो सकती है। ध्यान रखें, भाग्य आपके साथ है। समय अनुकूल चल रहा है। निवेश शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी से तनाव उत्पन्न होने के योग है। शुभ रंग सफेद और निषेध रंग सिंदूरी। धनु आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 49%। व्यवसायियों को अच्छे और बड़े ग्राहक मिल सकते हैं। पूर्व में जो उधार दिया गया था उसकी प्राप्ति संभव है। योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य की ओर बढ़ें। बचत पर ज्यादा ध्यान रहने वाला है। जीवन साथी से तनाव उत्पन्न होने के योग है। शुभ रंग सफेद बसंती तथा निषेध रंग मस्टर्ड काला। मकर आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 80%। परिजनों के साथ मतभेद हो सकता है। भाग्य आपके साथ है, उसका लाभ उठाएं। आप कुशलता एवं होशियारी से असंभव कार्यों को पूरा करेंगे। उद्यमशीलता एवं पहल करने की क्षमता बढ़ेगी। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद और निषेध रंग लाल पीला। कुंभ आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 81%। कार्य की अधिकता रहेगी परंतु गर्व का भी अनुभव होगा। समय अनुकूल है। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। संबंधों में शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जमीन जायदाद से संबंधित मामले भी सुलझने के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद और निषेध रंग लाल पीला। मीन आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 46%। कारोबार में अनुकूलता बनी हुई है। आकस्मिक रूप से महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। आपके कुछ काम दोस्तों और भाइयों की मदद से पूरे हो जाएंगे। आप स्वभाव से थोड़ा चिड़चिड़े, पदोन्नति के योग हैं। शुभ रंग सफेद और निषेध रंग पीला। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 10:36 से दोपहर 12:21 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।